स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास चैप्टर वन रियल नंबर के सभी कॉन्सेप्ट और सभी एक्सरसाइजेस वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये जो क्लास है या ये क्लास रिकॉर्डिंग जो है ये स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन न्यू एनसीआर टी टेक्सट बुक या जो नया सिलेबस जो है रेस्टलाइज जो उन्होंने बुक को नया बुक बनाया है उस से काफी पार्ट डिलीट कर दिया उसी पर बेस्ड ये आपका क्लास रिकॉर्डिंग है क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइमलाइन का इस्तेमाल करके देख सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं हैं चलिए स्टार्ट करते अपनी क्लास को सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट में थ्योरम 1.1 अब ये जो नई टेक्स्ट बुक है इसमें थ्योरम नंबर 1.1 चेंज हो गया है पहले यूक्लिड डिविजन लेमा थी पुरानी ओल्डर बुक्स में अब नई बुक्स में थ्योरम नंबर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ आर्थमैटिक इसमें क्या है एवरी कंपोजिट नंबर सभी कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखाए जा सकते हैं और उनका जो प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे कम एग्जाम्पल के लिए समझो ट्वेल्व एक प्राइम कंपोजिट नंबर है इसका जो प्राइम फैक्टर होगा टू इंटू टू इंटू थ्री ठीक है तो ये प्राइम फैक्टर यूनिक होगा इसका कुछ और नहीं हो सकता इसका प्राइम फैक्टर बस ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं तो यहां पे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो यही एक्सप्लेन करता है कि सभी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं प्राइम नंबर का वो जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है उन कंपोजिट नंबर के लिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट कम्स ऑर्डर को अगर देख चेंज कर भी दें तो भी वो जो प्राइम नंबर्स रहते हैं वो यूनिक रहता ठीक है ठीके? एक और एग्जांपल जिस 15 है ये कंपोजिट नंबर है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा थ्री इन टू फाइव तो फिफ्टीन का कोई और नहीं हो सकता यही ये यह थ्योरम बता रहा है आपको पहला थ्योरम जो आपके सिलेबस का है बिल्कुल रिड्यूस्ड और नया रेसनाइज टेक्स्ट बुक जो है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्ट्राइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विज द प्राइम फैक्टर्स अकर ठीक है तो ये थ्योरम 1.1 है इसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी कहते हैं जिसमें आपको बताया गया कि सभी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं लिख सकते हैं और प्राइम नंबर का वो जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इट कम्स इसके बाद थ्योरम 1.3 है ये हमें इसलिए समझना है क्योंकि आपको थ्योरम 1.4, पॉइंट फोर रूट टू नंबर होता है या रूट फाइव ए नंबर होता है ये प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम की जरूरत पड़ती है इसलिए और वैसे कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं है केवल थ्योरम वन पॉइंट फोर जो इसके अगले वाले थ्योरम है उसे समझने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है तो यहां ये यह थ्योरम क्या कहता है बच्चों अगर पी ए कोई प्राइम नंबर लेट पी बी ए प्राइम नंबर मान लीजिए पी कोई प्राइम नंबर है इट पी डिड्स ए स्क्वायर और पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब कंडीशन लगा दिया कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है यस इफ इट इज डिवाइडिंग अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम यह कहता है कि p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा जहां a कोई पॉजिटिव इंटीजर है a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है लेकिन जो p है वो प्राइम नंबर होना चाहिए एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको मान लेते हैं एक प्राइम नंबर हमने टू ले लिया ये पी की वैल्यू टू है यहां पर अब हमें एक ऐसा ए ऐसा सोचना होगा ऐसा एक इंटीजर जिसके स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा हो

ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो पर ए को डिवाइड ना करें लेकिन शर्त यह है कि पी ए प्राइम नंबर होना चाहिए तब पी एक प्राइम नंबर हो और अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा तो सर्टेनली वो ए को भी डिवाइड करेगा ये थ्योरम 1.3 कहता है अब आप कहोगे सर आप ऐसा करो ये थ्री का स्क्वायर ले लो थ्री का स्क्वायर नाइन होता भैया वो नाइन को ही डिवाइड कर रहा है तो फिर थ्री को डिवाइड करने का सवाल ही नहीं उठता उसने एक शर्त लगा दी पहले कि वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तब वो ए को डिवाइड करेगा ये नहीं कहा उसने कि वो एक मतलब ए आ, A को डिवाइड करेगा तो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर ना ना उसने पहले ही बोला है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हो तो वो ए को जरूर डिवाइड करेगा पी और पी एक प्राइम नंबर होना चाहिए अब फाइव के स्क्वायर को डिवाइड करता है क्या पी नहीं तो फाइव को भी नहीं करेगा सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स होता है तो सिक्स के स्क्वायर को ये जो पी यानी टू जो डिवाइड करता है कि नहीं करता है करता है तो सिक्स को भी करेगा तो आज मतलब एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली थ्योरम है अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसको करेगा ही करेगा वो लेकिन शर्त यह है कि पी प्राइम नंबर होना चाहिए फिर से वही बात है अगर प्राइम नहीं होगा तो बातें फेल हो सकती हैं जैसे मैं आपको बताऊं कैसे फेल करके देखते हैं पी लेते हैं फोर अब देखो तुरंत फेल हो गया इसी एग्जांपल से ये जो फोर हमने मान लिया है पी की वैल्यू फोर है तो सिक्स के स्क्वायर को थर्टी सिक्स को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है फोर थर्टी सिक्स को नाइन बार में डिवाइड कर देगा लेकिन सिक्स को तो नहीं कर रहा फेल हो गया यहीं पे थ्योरम फेल हो गया ना तो सर तो वही है ना कि पी प्राइम नंबर हो तो ये थ्योरम एप्लीकेबल है तो एक गलत थ्योरम से और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है अगर गलत एक एग्जाम्पल ले दो क्योंकि हाँ अगर आपने पी को फोर मान लिया फोर कोई प्राइम नंबर नहीं है लेकिन ये सिक्स के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है थर्टी सिक्स को डिवाइड कर रहा है पर ये सिक्स को नहीं कर रहा क्योंकि आपने गलती ये करी है कि आपने प्राइम नंबर नहीं लिया आपने कंपोजिट नंबर लिया है है ना भाई क्लियर चले आगे थ्योरम से अभी इसमें इसका इस्तेमाल होगा रूट टू एक नंबर है इसमें ही इस्तेमाल है इस थ्योरम का एक और को प्राइम नंबर क्या होते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं इसका भी इसमें इस्तेमाल है को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं बच्चों को प्राइम जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन से अधिक कुछ ना हो जैसे टू और थ्री इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एस सी वन होगा ये को प्राइम है कोई भी नंबर कोई भी दो नंबर हो सकते हैं दोनों प्राइम हो सकते हैं एक प्राइम और एक कंपोजिट हो सकता है ठीक है बस उसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन के अलावा कुछ और हो ना हो उनका एस सी एफ वन होना चाहिए बस उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है उसे दो ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होता है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं तो इस क्वेश्चन को इस थ्योरम को समझने के लिए आपके दिमाग में दो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए एक पहला वाला थ्योरम वन और दूसरा को प्राइम नंबर क्या होते हैं देखो फाइव और ट्वेल्व ये भी को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका एस सी एफ वन है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर वन है ठीक है टेन और ट्वेंटी को प्राइम नहीं है या टेन और ट्वेल्व को प्राइम नहीं है क्योंकि इनका हाईएस्ट हाइस्ट फैक्टर इनमें तो दस है और इसका हाइस्ट कॉन्फैक्टर टू है ठीक है चले आप थ्योरम पर आप थ्योरम समझा दें, थ्योरम 1.4 है बच्चों हमें प्रूव करना है रूट टू एक रेशनल नंबर है ठीक है इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं हमेशा 1.2 अभी जो बताया p एक प्राइम नंबर है और p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा एक पॉइंट अब थ्योरम नंबर आपके नई टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग होगी वन पॉइंट नहीं थी वो जो अभी आपको एक्सप्लेन किया अब हमें समझना है वन जो कि रूट टू एक रेशनल नंबर है पुरानी टेक्स पुर बुक वन था तो इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट जरूरी थे वो आपको मैंने बता दिए हैं एक को प्राइम नंबर क्या होता है और एक थ्योरम 1.2 पॉइंट इनफैक्ट रटा हुआ है इतने सालों से 1.3 1.3 पॉइंट थ्री

रैशनल नंबर ये एक रैशनल नंबर ऐसा हम मान लेते हैं अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसे पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसलिए रूट टू इज इक्वल टू होगा पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो और हम मान लेते हैं कि पी और क्यू को प्राइम है ये भी मान सकते हैं और हम ये भी मान सकते हैं कि अगर पी और क्यू को प्राइम नहीं है तो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इसे डिवाइड करके इसे को प्राइम बनाया जा सकता है ठीक है ये रूट टू हो गया इफ यहां लिख देता हूं मैं इफ पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम आर नॉट को प्राइम देन वी कैन डिवाइड पी एंड क्यू विद their एस सी एफ टू मेक दैम को प्राइम टू गेट ए एंड बी एज को प्राइम ठीक है ए और बी को प्राइम बन जाएंगे मतलब अब एक कंडीशन आ गई रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए एंड बी आर को प्राइम ए एंड बी आर को प्राइम ये अब ए और बी को प्राइम है और इसी का आगे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिलना है को प्राइम नहीं होगा ए और बी ए और बी में कॉमन फैक्टर टू मिल जाएगा और कॉन्ट्राडिक्शन से ही आगे एक स्टेटमेंट लिख देना है और वो सॉल्व हो जाएगा अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो एस बी एस रूट टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये आपका हो गया टू बी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर देखो अब यहां पे क्या हो रहा है देखो टू और बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर आ रहा है इसका सीधे सीधे सा मतलब है कि ए ये जो टू है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है क्योंकि टू से अगर आप मान लो एक एग्जाम्पल डिस्कस करूं मैं टू इन टू थ्री का स्क्वायर एटीन है, square, 18 है. तो ये टू क्या एटीन को डिवाइड नहीं करेगा क्या करेगा और थ्री का स्क्वायर भी 18 को डिवाइड करेगा क्योंकि नौ वो भी डिवाइड करेगा तो वही यहां बस फर्क ए और बी में लिखा हुआ है है तो वो नंबर ही ए और बी है तो वो इंटीजर ही कोई ना कोई तो इसका मतलब है कि यहां पे थ्योरम वन पॉइंट अब टू आ जाएगी तो टू बी स्क्वायर यहां पर बाई थ्योरम बाई थ्योरम नहीं, नहीं 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 पहले एक लाइन लिख दे टू डिवाइड बी ए स्क्वायर देन बाई थ्योरम वन पॉइंट टू टू विल ऑल्सो डिवाइड ए ठीक है ना टू ए को भी डिवाइड करेगा अब टू ए को डिवाइड करेगा तो कितनी बार में करेगा है? एक बार दो बार तीन बार चार बार या सी बार हम सी मान लेते हैं तो मान लेते हैं टू सी इज इक्वल टू ए अब ये जो इक्वेशन वन है यहां पर यहां ए की वैल्यू हम टू सी रख देंगे इन इक्वेशन वन इन इक्वेशन वन में हम रखते हैं अगर हम यहां पर ए की जगह टू सी टू बी स्क्वायर इज टू टू सी होल स्क्वायर तो टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर सी स्क्वायर टू से डिवाइड कर दो तो बी इक्वल टू सी स्क्वायर अब यहाँ फिर से उलट गया अब हम कह रहे हैं कि टू और सी स्क्वायर का प्रोडक्ट बी स्क्वायर है इसका मतलब टू बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो फ्यम वन पॉइंट टू से टू बी को भी डिवाइड करेगा हि टू बिकॉज टू डिवाइड्स बी स्क्वायर देन बाय थ्योरम वन पॉइंट टू टू ऑल्सो डिवाइड बी अब यहां पे आप कह रहे हो कि टू ए को डिवाइड कर रहा है ये रहा लिखा हुआ टू विल ऑल्सो डिवाइड ए और यहां लिख रहे हो टू ऑल्सो डिवाइड्स बी इसका मतलब ए और बी में कॉमन फैक्टर टू है क्योंकि टू ए को भी डिवाइड कर रहा है टू बी को भी डिवाइड कर रहा है देयर फोर टू इज कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी ए और बी में कॉमन फैक्टर टू आ गया बट हमारे पास तो ए और बी कॉप्राइम नंबर थे बट ए एंड बी वर को प्राइम इनिशियली तो इन्हें हमें इन्हें हमें को प्राइम मान के चल रहे थे ना तो इसमें हमें आगे स्टेटमेंट लिखना वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इन करेक्ट अजम्पन हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने इनकरेक्टली अज्यूम कर लिया है कि रूट टू इज रैशनल नंबर हैं कंक्लूड द रूट टू इज अल इेशनल नंबर इससे आते हैं बोर्ड पर लिखते हैं बट uh, पीछे क्या था यार बट ए एन बी आर को प्राइम वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन Because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, hence we conclude that. रूट टू इज एन इेशनल नंबर लाइक दिस हो गया बच्चों ये क्वेश्चन पूरा अब एक्साइज वन पॉइंट वन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर प्राइम फैक्टर में ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस आ गए आपके 140 का प्राइम फैक्टर 2 35 5 7 और 1 2 into, 2 into 5 into 7 एन 140 का प्राइम फैक्टर है 156 का टू एट जा थ्री एट टू फाइव ये थ्री से जा है। रहा है कहीं सात आठ पंद्रह तीन अठारह हाँ सात अठ पंद्रह हाँ थ्री जा रहा है थ्री वन जा थ्री टू जा थ्री सेवन जा थ्री फाइव जा थ्री फोर जा थ्री टू जा थ्री फाइव फाइव एट जा फाइव फाइव जा दो थ्री रेज टू तो पावर टू और फाइव रेज टू तो दी पावर टू और सेवनटीन ये इसका प्राइम फैक्टर है इलेवन से जा रहे हाँ फाइव से फाइव नाइन जा, जा फाइव जा, अब जावन से थर्टीन जा, 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 से फाइव से, 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 से तो पहले भी जा रहा था वो नहीं फाइव से क्यों नहीं काटा एनी सेवन इंटू इलेवन इंटू थर्टीन सेवन फोर टू नाइन थ्री से जाएगा कि इलेवन फोर फिफ्टीन सेवन टी टू नहीं थ्री से नहीं जाएगा सेवनटीन दे डायरेक्ट सेवनटीन फोर जा सिक्सटी एट और फिर बचा कितना सिक्सटी एट फोर बचा ना सिक्सटी एट हाँ 6 बचा और 17, 3 जा 51, 17, 7 जा, 19, अब 19 से आएगा दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप फाइंड द एस सी एफ एन एल सीम ऑफ द निकालना है प्राइम फैक्टर के जरिए निकालेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पहले ट्वेंटी सिक्स के प्राइम फैक्टर करेंगे टू इंटू थर्टीन और नाइनटी वन के प्राइम फैक्टर सेवन इंटू थर्टीन अब एस सी एफ में जो होता है हाईस्ट कॉमन फैक्टर यानी दोनों में जो कॉमन नंबर होता है उसका जो स्मॉलर पावर छोटी पावर होगी तो एस सी एफ तो थर्टीन ही होगा और एलसीएम में जो कॉमन नंबर होता है उसकी बड़ी पावर यानी थर्टीन का तो एक ही पावर है और नॉन कॉमन भी मल्टीप्लाई में लेने हैं यानी टू इंटू सेवन ये एलसीएम आएगा चेक लो, कर लो मल्टीप्लाई कर कितना आता है चौदह और तेरह बैलेंस का दो चार चौदह चौदह चार अठारह अब चेक भी करना प्रोडक्ट ऑफ नंबर एल सी एम इंटू एस सी एफ एल सी आपका वन एटी टू और एस सी एफ थर्टीन तेरह दिन छब्बीस का छः दो कैरियबर तेरह ठीक सौ चार और दो सौ छः का छः दस के तेरह तेईस और प्रोडक्ट ऑफ नंबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर है ट्वेंट नाइन्टी वन और ट्वेंटी सिक्स सिक्स 6 सिक्स नाइनजा फिफ्टी फोर टू और टू नाइन 18. एटीन टू थ्री डबल सिक्स ये वेरीफाई हो गया एलसीएम सी टू एस सी एफ टू होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर ठीक है भाई फाइव हंड्रेड टेन और नाइनटी टू फाइव हंड्रेड इसके प्राइम फैक्टर कर लो टू टू जा टू फाइव जा और टू फाइव जा थ्री से थ्री एट जा थ्री फाइव जा फाइव से 17 और दूसरा क्या है नाइन्टी टू टू से फोर्टी सिक्स टू से ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री से वन टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन और नाइन्टी टू का है टू इंटू टू की पावर टू इंटू ट्वेंटी थ्री पावर में लिख देंगे बच्चों तो एस जो होगा जो कॉमन नंबर होगा उसमें छोटी पावर टू है कॉमन नंबर के स्मॉलर पावर वाला नंबर लेना है आपको कॉमन में और नॉन कॉमन एक भी नहीं लेना बड़ी पावर लेना है और नॉन कॉमन सारे प्रोडक्ट में लेने हैं ये की पावर टू लेना है और फिर नॉन कॉमन में थ्री फाइव सेवनटीन और ट्वेंटी थ्री सब मल्टीप्लाई में आएंगे थ्री फाइव सेवनटीन और ट्वेंटी थ्री तो आप यहां पर एलसीएम जो फाइंड कर रहे हैं चार या बारह पंच साठ साठ सत्तर एक सौ सत्रह सत्तर छिका एक सौ दो वन जीरो टू जीरो आ गया इंटू ट्वेंटी थ्री जीरो और छ जीरो और तीन जीरो चार जीरो दो जीरो छ चार तीन टू थ्री फोर सिक्स जीरो अब एल सी एम इंटू एस सी एफ टू इंटू टू थ्री फोर सिक्स जीरो मल्टीप्लाई कर दो जीरो बारह का दो एक कैरी ओवर दो चौका आठ एक नौ दो तीय छ दो तीन चार फोर सिक्स नाइन टू जीरो और प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइव हंड्रेड टेन इंटू नाइनटी टू

टू ट्वेंटी वन थ्री और सेवन और फिफ्टी फोर टू का पावर आ रहा है वन टू थ्री फोर और थ्री एक पावर है और सेवन और फिफ्टी फोर हो गया अठारह तिया चौवन होता है अठारह तिया चौवन यानी दो इन तीन की पावर तीन सत्ताईस उन्नी चौवन प्राइम फैक्टर तो एस सी एफ आएगा बच्चों जो कॉमन नंबर है इसमें टू है और इसकी पावर छोटी वाली टू और इधर कॉमन नंबर थ्री है इसकी पावर भी वन वाली लेंगे तो एस सी एफ सिक्स आ रहा है एल सी एम कॉमन नंबर में बड़ी पावर ने 2 की पावर फोर और कॉमन नंबर बड़ी पावर थ्री में थ्री की पावर थ्री और नॉन कॉमन भी साथ में लेना होगा तो ये टू की पावर फोर यानी सिक्सटीन और थ्री की पावर थ्री ट्वेंटी सेवन और ये सेवन सोलह सत्तर एक सौ बारह चार एक कैरीवर सात एक आठ सात एकम सात दो चार दो एक दो दो एकम दो चार आठ सौ बारह दो एक कैरीवर सात दस थ्री जीरो टू फोर थ्री जीरो टू फोर थ्री जीरो टू फोर अब चेक करो प्रोडक्ट एलसीएम इनटू एस सी एफ थ्री जीरो टू फोर इन सिक्स छह चक चौबीस चार दो क्या बार छह सौ चौदह चार एक क्या जीरो यानी एक आ जाएगा छह अठारह सौ छियालीस और प्रोडक्ट ऑफ नंबर थ्री थर्टी सिक्स एन फिफ्टी फोर ठीक है अठारह सौ चौलीस अब आपको तीसरा क्वेश्चन करना है फाइंड द द द ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये इसमें, इसमें ट्वेल्व का फैक्टर फिफ्टीन का फैक्टर थ्री इंटू फाइव और ट्वेंटी वन के फैक्टर थ्री इंटू सेवन तो आपने एलसीएम अगर एस निकालना है तो उसमें कॉमन नंबर का सबसे छोटा पावर जो होगा वो टू इसमें इस नहीं है थ्री इसमें 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 है थ्री है कॉमन एस सी एफ थ्री आ जाएगा और एलसीएम कॉमन नंबर में बड़ी पावर तो कॉमन तो तीनों में एक ही है तीन और सबकी पावर एक है तो थ्री आ गया और सभी नॉन कॉमन नंबर यानी टू की पावर भी टू फाइव और सेवन चार बारह पंचाठ सत्य चार सौ बीस फोर ट्वेंटी इसमें तो एस सी एफ वन आएगा कुछ भी कॉमन नहीं और एलसीएम इनका प्रोडक्ट आएगा क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर मिलेगा ही नहीं तो एस सी एफ इनका होगा वन और एलसीएम इनका होगा सेवनटीन इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन देख लेना प्रोडक्ट करके जो भी है वो इसका एलसीएम है एलसीएम एंड एस सी एफ फॉल लोइ नंबर वही सेम है। यहां भी एस सी एफ तो वन ही दिख रहा है क्योंकि एट नाइन ट्वेंटी फाइव में कोई कॉमन नंबर है ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर दे 2 की पावर थ्री और नाइन को हम लिख दे नाइन को लिख देंगे थ्री की पावर टू और ट्वेंटी फाइव को लिख देंगे फाइव की पावर टू कुछ भी कॉमन नहीं है तो एस सी एफ वन और एल सी एम इनका खुद का प्रोडक्ट जो होगा एट इंटू नाइन इंटू ट्वेंटी फाइव ठीक है भाई तीनों का प्रोडक्ट होगा इनका एल्सियम गिवन दैट एस सी एफ बच्चो दो नंबर थ्री हंड्रेड सिक्स और सिक्स फिफ्टी सेवन का एस सी एफ दिया हुआ है और एल्सियम निकालना है तो हमने भी जो पहले वेरिफिकेशन किया था दो नंबर का एल्सियम और एस सी एफ का जो प्रोडक्ट होता है उनके प्रोडक्ट नंबर के इक्वल होता है उसी वाले लॉजिक को है यूज कर लेंगे यानी एल्सियम इन टू एस सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये टू नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है LCM तो सी तो फाइंड करना है एस सी नाइन है और प्रोडक्ट थ्री हंड्रेड सिक्स इंटू सिक्स फिफ्टी सेवन है नाइन से डिवाइड कर दो नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन थ्री हंड्रेड सिक्स और 73 थ्री का प्रोडक्ट डबल टू डबल थ्री एट एल आ रहा है बच्चों इन दोनों नंबर का एक मिनट कौन से क्वेश्चन पिछला अच्छा दो नंबर में कॉमन आ तीसरे में नहीं आ रहा तो तीनों में कॉमन होना चाहिए नहीं वो नहीं ले जाएगा जो जैसे मान लो इसमें आपका सेवन आ रहा है इसमें भी सेवन आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा तो सेवन को नहीं इंक्लूड करोगे एस सी एफ में हाँ वो नहीं तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में वो नंबर होना चाहिए तब वो एस सी एफ में आएगा अगला क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ एन क्या सिक्स की पावर एन किसी एन की एन की किसी नेचुरल वैल्यू के लिए एन नेचुरल नंबर है जीरो वैल्यू के लिए क्या ये जीरो पे एंड होगा तो इसमें क्लास सिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कोई भी नंबर अगर जीरो पे एंड होता है तो वो टू और फाइव से जरूर डिवाइड होता है यानी यानी से से होता है, 2 और 5 से जरूर होता है है और जरूर तो अगर सिक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर टू और फाइव दोनों आएंगे तो ये जीरो पर एंड होगा अगर दोनों नहीं आए तो नहीं होगा चेक कर लेते हैं सिक्स रेस पर एन है तो इसे हम टू इंटू थ्री रेज टू दी पावर एन तो सिक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में टू आ रहा है बट फाइव नहीं आ रहा है तो एन का पावर कुछ भी कर लो वन टू थ्री टेन ट्वेंटी लाख भी कर लोगे तो टू और ग्री ही आएंगे कई बार बच्चे पता क्या सोचते हैं कहते हैं नहीं सर अगर हम पावर पांच बना दे टू पांच बार आएगा तो दस हो सकता है है ना ऐसा सोच सकते हैं और ये मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब ये सोच भी रहे हैं ऐसा पक्का तो चलो मैं दिखाता हूं टू पांच बार लिखने पे क्या होगा यानी पावर पांच कर दिया ना अच्छा ही, मैं बच्चों के एंगल सोच रहा हूँ इसलिए मुझे पता चल रहा है कि ऐसे बच्चे सो सकते हैं क्योंकि टेन ही तो लाना है जीरो तो लाना है टू को पाँच बार लेते हो मल्टीप्लाई में बचपन में बचपन पढ़ा है ना टू फाइव या टेन होता है तो इसलिए दिमाग में आ गया था आप मुस्कुरा रहे हो इसके लिए आप भी ऐसे सोच रहे थे वन टू थ्री फोर और फाइव लेकिन इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो थर्टी टू आएगा फाइव नहीं आना है ये टेन या थाउजेंड या ट्वेंटी थाउजेंड नहीं आ रहा है टू टू जो फोर फोर टू जट एट टू जो सिक्सटीन सिक्सटीन टू थर्टी टू इसलिए आप एन का कुछ भी वैल्यू ले लो फाइव नहीं आने वाला सिक्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में इसलिए ये जीरो पैंड नहीं होने वाला एन की किसी वैल्यू के लिए यही चीज आपको लिखनी है अपने स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं बिकॉज इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सिक्स It does not, it does not contain five so, so for any value of N, it will not end with zero, digit zero. अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी देता है जो आपने आपकी बुक में अब ये थ्योरम बन गई है प्रीवियस बुक में वन पॉइंट टू थी तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस बात की गारंटी देता है कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है कुछ हो ही नहीं सकता उसके अलावा केवल ऑर्डर चेंज हो सकते हैं इसीलिए ये जो है जीरो पे नहीं एंड होगा किस एन की किसी वैल्यू के लिए ये वाला लॉजिक मुझे लग रहा था कि बच्चे ये पांच वाला सोच सकते हैं एक टू टैन सोच लेते हैं ना वो हम्म चलो आगे बढ़ते हैं बेटा एक्सप्लेन करना ये कंपोजिट नंबर कैसे है देखो कंपोजिट नंबर फिर से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में अप्लाई होता है अगर ये न, ये वाला जो है ना अगर ये कंपोजिट नंबर है या फिर ये कंपोजिट नंबर है तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में होना चाहिए तो था ये प्रोडक्ट में बस यहां गलती हो गई प्लस में दिख रहा है यही 2 2 तो समझाता है, ये बनाएगा. क्योंकि ये है कि, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हो तो ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है इसका मतलब कंपोजिट नंबर है पर यहां प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के अलावा प्लस में थर्ट, थर्टीन आ रहा है तो प्लस का बात तो करता नहीं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसलिए हमें इस प्लस को हटाना है यहां से सब कुछ प्रोडक्ट में लाना है और भी प्राइम नंबर प्रोडक्ट में लाएंगे तो हम बोल देंगे ये कंपोजिट नंबर है लेट्स डू इट देखो अब हम इसमें क्या करेंगे थर्टीन कॉमन ले लेंगे थर्टीन कॉमन ले लो तो इलेवन इंटू सेवनटीन प्लस वन देखो ये इलेवन ये और सेवन और इलेवन और ये प्लस वन ये बचा हुआ तो सेवनटी सेवन प्लस एट तो थर्टीन टू इन टू थ्री इंटू थर्टीन इसको प्राइम फैक्टर कर दिया ना मैंने अब ये सारे नंबर इसी को तो दोबारा से लिख दिया अलग तरीके से इसको भाई ये इसी को लिखा है मैंने कुछ चेंज नहीं किया है और सभी कायदे कानून को फॉलो करते हुए अपनी मर्जी से नहीं किया मैंने तो अब ये क्या बन गया प्राइम नंबर का प्रोडक्ट और प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट नंबर आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है सो इट इज ए कंपोजिट नंबर बस इतनी सी बात है इसमें भी यही करना है फाइव कॉमन ले लो इन दोनों में से अच्छा इसके प्रोडक्ट में तो वो भी नहीं था इसमें तो कुछ कंपोजिट भी थे देखो इसलिए इसमें तो काफी चेंजेस की जरूरत थी वैसे भी तो फाइव पहले कॉमन ले लो फिर बचा सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू प्लस वन ऐसे ये फाइव और फाइव बाहर ले लिया दोनों तरफ से तो इधर से प्लस वन बचा इधर से बाकी जो बच गए फाइव के अलावा तो सात छिंग बयालीस और ये दो आ, एक हजार आठ होता है आई थिंक सारा मल्टीप्लाई करके वन थाउजेंड एट होता है ना प्लस वन वन थाउजेंड नाइन और वन थाउजेंड नाइन एक प्राइम नंबर है तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है इसलिए ये कंपोजिट है सेम रीजन यहां पर दो बच्चे हैं सोनिया और रवि और आप क्वेश्चन को पॉज कर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं आप यहां पे एक सर्कुलर पाथ है बच्चों एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड ये सर्कुलर पाथ है और ये जो मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से सोनिया और रवि दो बच्चे हैं रवि तेज दौड़ रहा है तो वो इस पाथ का एक चक्कर लगा लेता है बारह मिनट में और सोनिया अपने वजन से परेशान है अपने वेट से परेशान है बेचारे तो ये इस पार्क का चक्कर लगाने में एटीन मिनट्स लेती है सोनिया टेक्स एटीन मिनट्स एंड रवि टेक्स ट्वेल्व मिनट्स तो दोनों एक ही टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट मान लो यही है स्टार्ट करते हैं एक साथ और हमें पूछा हुआ पूछा जाता है कि आ, सेम पॉइंट सेम टाइम पे सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन डायरेक्शन में सेम जाते हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्टिंग पॉइंट तो कितने मिनट बाद फिर से मिलेंगे सेम स्टार्टिंग पॉइंट पर तो थर्टी सिक्स मिनट के बाद क्योंकि रवि तब तक तीन चक्कर पूरे कर लेगा ये 12 मिनट का एक चक्कर फिर अगले 12 मिनट यानी 24 मिनट में दो चक्कर और 36 मिनट में तीन चक्कर आगे यहां पर रुक गया ये 36 मिनट पे सोनिया ने हफ्ते हाँ हफ्ते हाँ अरे भाई तेरे कितने चक्कर हुए मेरे तीन हो गए भाई, भाई मेरे तो अभी दो ही हुए तो सोनिया ने दो चक्कर लगाए थर्टी मिनट में रवि ने तीन चक्कर लगाए और तीन दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर है आफ्टर थर्टी सिक्स मिनट दे विल बी एट द सेम पॉइंट स्टार्टिंग मिलेंगे ठीक है तो एल्सियम निकालना है इसमें एल्सियम निकालना था एटीन का और ट्वेल्व का थ्री रेज पावर टू इंटू टू नाइन टू एटीन और टू रेज की पावर टू इंटू थ्री तो एलसीएम जो आएगा कॉमन नंबर की बड़ी पावर इसमें से टू की पावर टू और इन दोनों में थ्री की पावर टू नाइन फोर जटी सिक्स थर्टी सिक्स आ जाएगा एलसीएम नाउ वी है ये रूट फाइव ए रस नंबर है जैसे हमने रूट टू किया है डिट्टो वही करना है तो इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है फिलहाल यहां पर इनको करते हैं लेकिन जब ये हम करते हैं ना थ्री प्लस टू रूट फाइव ए के रेस्ट नंबर प्रूफ करते हैं तो यहां हमें रूट फाइव एंबर पहले से अंडरस्टूड है रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन ये रैसल नंबर होते हैं हम ये पहले से जानते हैं ऐसा मानकर चलना होगा आपको तब ये इजिली हो जाएंगे और बहुत छोटे नंबर पर मान लो ये फिर से वही मैथड मान लेते हैं लेट इज रैशनल नंबर इसे रैशनल नंबर मान लो थोड़े समय के लिए ठीक है अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी लिखा जाएगा और q इसका जीरो नहीं होना चाहिए है ना अब हमें कुल मिला के क्या करना होता है इस रूट फाइव को इन सब से अलग करना होता है लेकिन कायदे कानून को फॉलो करते हुए जैसे ये प्लस में थ्री इधर आके माइनस का हो जाएगा टू रूट फाइव इज इकल टू पी अपॉन क्यू माइनस थ्री तो क्यू का थ्री पाई करेंगे तो पी माइनस थ्री क्यू अपॉन क्यू टू रूट फाइव और टू इधर डिवाइड में आ जाएगा रूट फाइव इज इकल टू पी माइनस थ्री क्यू अपॉन में टू क्यू ऐसे मतलब कुल मिला के रूट फाइव को लेफ्ट में कर दो अलग और बाकी सारे जो नंबर है इंटीजर्स है सबको ले आओ राइट में तो ये p q थ्री टू ये सब इंटीजर हैं और इंटीजर के कैलकुलेशन से जो बनेगा वो वो बनेगा रैशनल रैशनल नंबर नंबर तो ये रेशनल है और ये इेशनल हम जानते हैं तो दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते इसका मतलब ये भी रैशनल है बट वी नो दैट रूट फाइव इज इेशनल नंबर तो वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्रोडिक्शन बिकॉज ऑफ आवर इन करेक्ट अजम्पन दैट रूट फाइव इज अल नंबर ये गलत माना हमने वी कंक्लूड दैट इज अ नंबर वही लाइन रिपीट करना है हर जगह कि शुरू में हमने गलत मान लिया था और अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि थ्री प्लस टू रूट फाइव एक ही है उसे रैशनल मान के हमने गलती कर दी थी क्योंकि उसमें क्या था उसमें हमने रैशनल माना था तो उनमें को प्राइम वाली बात गलत हो रही थी जब रूट टू को हमने रैशनल मान लिया रैशनल मान लिया था तो A और बी में, को को और, और में टू कॉमन आ रहा था तो वहां वो गलती हो रही थी यहां क्या गलती होगी एक रैशनल और एक रैशनल इक्वल दिख रहे हैं जो कि कभी पॉसिबल नहीं है तो यहां पर ये यह मिल रहा है क्योंकि हम गलत मान लेते हैं हर बार लेकिन इसको करने का तरीका यही है इसीलिए इसको कॉन्ट्राडिक्शन मैथड कहते हैं गलत मान के चलोगे तभी सही बता पाओगे इसमें आपको पहले तो रैशनलाइज कर दो इसको जो नाइन्थ क्लास आपने सीखा है रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रूट टू अपॉइंट टू या अब आप इसे वो मान सकते हो एक रेशनल नंबर लेट कर ना, थोड़े समय के लिए कि लेट इट इज रैशनल नंबर अगर रेशनल है तो रूट टू अपॉइंट टू इज इक्वल टू पी अपॉइंट क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है क्यू जीरो नहीं होता और और क्यू इंटीजर्स होते हैं यहां भी और क्यू इंटीजर्स होते हैं लिखना जरूरी होता है पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू जीरो अब आप देखो ये टू को इधर ले रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू फिर आ गया कॉन्ट्राडिक्शन रूट टू है, लेकिन ये रैशनल इक्वल कैसे हो रहा है क्योंकि हमने एज्यूम गलत किया है गलत मान लिया कि वन अपॉन रूट टू एक रैशनल नंबर है इट इज एन इेशनल नंबर यहां भी वही करना है आप मान लो रेशनल नंबर है और सेवन रूट फाइव इज टू पी एपॉन क्यू अंडरस्टूड रहना चाहिए पहले से ही तो ये सारा ये रूट फाइव एक बट ये क्यों हो रहा है क्या ये नहीं ये तो वी आर गेटिंग दिस कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज ऑफ अवर इन वी कंक्लूड दैट सेवन रूट फाइव इज एन ए नंबर सेम लॉजिक रहेगा इसको भी आप रेशन मान लो पी अपन क्यू की फॉर्म में दिखा दो क्यू जीरो नहीं होगा और पी एन क्यू इंटीजर्स होंगे तो ये सिक्स इधर ले रूट टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू माइनस सिक्स ये मल्टीप्लाई कर दो पी माइनस सिक्स क्यू अपॉन में क्यू बन गया फिर से वही कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया

Have a हैप्पी लर्निंग टेक केयर फाउंडेशन सीरीज का फायदा उठाएं आपका चैप्टर वन फिर से पूरा हो